वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बाइक की थर्ड सर्विस के लिए जा रहे हैं और सेकंड सर्विस हमने ब्लॉक करी थी पर हमने अपलोड नहीं करी क्योंकि हमें लगा कि कुछ खास काम नहीं हो उसमें, बस वॉशिंग हुई थी और थोड़ा बहुत टचअप दिया था उन्होंने और हम थर्ड सर्विस के लिए जा रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या सर्विस में क्या डिफरेंस आएगा क्योंकि अब इसकी सर्विस की लाइट भी आ रही थी, वो भी देखते हैं। मेरे को लोगों ने बोला कि इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्टेंट बनाओ तो मैंने कहा बना देते हैं, क्या हो गया फिर खड़ी है और हमारे पास दूसरी ये भी खड़ी है। ठीक है, ये हमारे माता प्रेम साथ की है जिसको नहीं पता, जो मेडिस किचन के ओनर हैं तो उनके ये तो हमारे पास जैसे आ रही की कलेक्शन होने वाली है, जितनी ये जगह देखेंगे सब कवर कर देंगे हम। तो हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे सर्विस कराने और वहाँ पे चल रही है सर्विस। ले भाई एक चीज़ बना दी मांगी, ये खड़ी हमारी बाइक सर्विस हो रही है बट इनका ये कहना है कि आप खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि अब लॉग नहीं है सर्विस सेंटर में, ये बोलता है। ठीक है, बट फिर भी हमने बना ली क्योंकि हमें ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं 3-4 घंटे लगेंगे तो हम 3-4 घंटे आप बैठे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ पता नहीं मुझे ढंग से, ठीक है चेक करता हूँ अभी बाकी। हाँ 3-4 घंटे बैठे हैं और इन्होंने बोला ऑयल फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होने की अगर जरूरत पड़े तो चेंज होगा नहीं तो नहीं होगा। उसके अलावा बेसिक चेंजेस ये बताए इन्होंने, बाकी हम कोशिश करेंगे दोबारा जाके मैं वीडियो बना लें। ठीक है, और मिलते हैं फिर सर्विस के बाद। और यहाँ पर ड्राई वॉश होता है तो वो भी आपको दिखाएंगे ड्राई वॉश कैसा होता है। बेड वॉश तो सबने देखा है, ड्राई वॉश भी देखना होगा केमिकल से होता है। तो हाँ अभी यहीं बैठे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा, अभी कुछ भूख लगी तो ऑर्डर भी करके देखेंगे यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे, क्योंकि जिस जगह में है सर्विस सेंटर बहुत खुद में है तो इसलिए स्टे ट्यून्ड एंजॉय द व्लॉग। जतिन 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 पानी ना के बराबर है, 24 होता बस। ऐसी केमिकल मेरे बेहतर मेरी वो ख़राब हुई होगी सेरेमिक कोटिंग। हो गई सर्विस, जा रहे हैं सो एज यू सॉ गाइस कि हमने उसकी सर्विस करा ली थी अपनी बाइक की और वो माइलेज क्या देती है वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कैसी राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है या माइलेज कैसी देती है या क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। सो स्टार्ट करते हैं हम उसके पोस्टर से। सो बेसिकली जो उसका पोस्चर है सिटिंग पोस्चर वो GT से वे बेटर है और अगर आप लॉन्गर राइड्स पर जाते हो तो वो उसमें काफ़ी हेल्प करता है आपको। ऑल दो सीट बहुत ख़राब है तो सीट आपको ऑब्वियसली अपग्रेड करनी पड़ेगी, वो चाहे आप फिर GT की सीट ले लो चाहे आप कोई इसकी टूरिंग सीट ले लो। उसके अलावा जो राइडिंग पोस्चर वैसे है हैंडल वाइज वो बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब वो ठीक लगता है, मतलब इतना कोई
मेजर ड्रॉबैक नहीं देता बैक में कि दर्द हो या कुछ हो, तो वो अच्छा है। उसके अलावा इसकी माइलेज की बात करें तो 20 के अराउंड माइलेज दे देती है, मतलब आप लगा लो इसका फुल टैंक होता है 1000 के अराउंड, मतलब 1000 का इसका फुल टैंक होता है, जिसके अंदर ये 170 180 किलोमीटर चल जाती है, विच इज़ गुड, क्वाइट गुड, तो वो है इसका। उसके अलावा अगर हम बात करें सर्विस कॉस्ट की, सो बेसिकली जो थर्ड सर्विस थी ये फ्री सर्विस थी, और इसके अंदर जो चीज़ें डली वो डली ऑयल फिल्टर, उसके बाद इंजन ऑयल, फिर एयर फिल्टर करके कुछ लिखा हुआ था, मतलब एयर फिल्टर चेंज हुआ लेकिन उससे रिलेटेड कुछ था, वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। लेकिन थर्ड सर्विस और इतनी सारा इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई, मतलब ऑल दो इन्होंने मेंशन 5-6 करी है, अब वो क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली पता 3-4 चीज़ें मुझे पता है चेंज करी, बाकी मैंने इनसे पूछा, उन्होंने बोला ये चीज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि मैं अभी एकदम स्पेक्स में नहीं घुसा हूँ बाइक्स के ज़्यादा, तो इसलिए मेरे को वो नहीं चीज़ पता थी। लेकिन उस सर्विस के इन्होंने लिए 3700 समथिंग के अराउंड, तो वो मुझे लगा कि इतने ज़्यादा लॉजिकली बनते नहीं, क्योंकि इनका सबसे महंगा इंजन ऑयल ही है और इंजन ऑयल इनका कोई इतना खास है भी नहीं। तो अब मैंने इनसे यही चीज़ पूछी कि अगर सपोज करो मैं कोई अच्छा और परफॉर्मेंस वाला इंजन ऑयल लाऊं तो वो आप डाल दो, तो उन्होंने ऑब्वियसली रिफ्यूज़ कर दिया। बट हाँ, सर्विस आफ्टर सर्विस एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा कोई खास नहीं था, क्योंकि अभी भी ब्रेक्स में कई बार अगर आप पीछे वाली ब्रेक प्रेस करो तो उसमें आवाज़ आ रही है, उसके अलावा जो एक इंजन लाइट आ रही थी कि जिसमें आता है कि आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, वो भी आ रही थी सर्विस कराने के बाद, वो फिर उन्होंने अपनी जो मशीन अटैच करते हैं उससे चेंज करी, या उससे जो भी सॉफ्टवेयर डिलीट करा वगैरह वगैरह। सो हाँ, ये चीज़ थी। बाकी हाँ, हम उसके बाद राइड करके देखेंगे सर्विस के बाद अच्छे से, क्योंकि अभी तक अच्छी लॉन्ग राइड नहीं करी है हमने, वहाँ से लाए थोड़ी बहुत इधर उधर चला ली, सो वो करा हमने। बट हाँ, अब हम प्रॉपर राइड करेंगे तो मैं आपको एक और एक्सपीरियंस, मतलब एक वो प्रॉपर एक एक्सपीरियंस दूंगा, क्योंकि अब सारी फ्री सर्विसेज खत्म हो गई, अब जितनी भी सर्विसेज आएगी वो सारी पेड आएंगी, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन जरूर दबाना, और अगर कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस डालने के लिए, सो वो आप जरूर करना। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी कंटेंट देखना पसंद है, जैसे आपको बाइक का देखना पसंद है, कार्स का देखना पसंद है, या आपको ट्रैवल ब्लॉग्स देखना पसंद है, जो भी पसंद है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि उस पर और वीडियोज़ डाल सके। बाकी अब थोड़ी बहुत प्रैंक वीडियोज़ हम लाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अंटिल देन, पीस आउट।